अरे मैं तो चिंता में लग गया कि ये क्या हो रहा है सर, हमें भी मजा नहीं आता इस इश्यू लेके आने में। भैया भैया भारत माता मेरी है और ये भारत माता का दुश्मन है। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता आज ज्ञापन था बीएससी फोर्थ सेम का रिजल्ट देरी को लेकर, तो उसके लिए नारेबाजी कर रहे थे। मैं यहाँ उस समय उपस्थित नहीं था, मैं अभी हाल पहुंचा हूँ। तो छात्रों का ऐसा कहना था कि सर ने हमको भारत माता का नारा लगाने से मना बोला है। अब ये हमारे कार्यकर्ता और सर के बीच क्या बात हुई, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, तो इस मामले को मैं जानूंगा और इसमें क्या है। अगर सर ने ऐसा किया है तो वो गलत है, क्योंकि भारत माता हमारी है और अगर भारत माता की जय बोलना गुनाह है तो गुनाह हम करेंगे और बार बार। अभी हमारे लिए सम्मानी है, वो हमारे गुरु है। ऐसा अगर कोई मामला है तो अगर छात्रों से भी हम सर से माफी मंगवाएंगे। नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है। गुरु अगर गलत भी है तो वो हमारा गुरु है और गुरु अगर हमारे पैर पड़ता है तो हमारे को पाप का भागी वो बना रहा है। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं सर को इस बारे में बात करूंगा। अगर ऐसा है तो हम बैठ के बातचीत करेंगे। घटना को लेकर बहुत ही सीधी साधी राय है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है और सात समुद्र की मसी करूं तो गुरुगुण लिखाने जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो कॉलेज परिसर में ऐसी कायराना कृत्य किया गया, निश्चित रूप से वो अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि गुरुजनों के प्रति अगर वो पैर छुआने वाली अगर कार्य करते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु शिक्षा के दिन जब ये गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो वो सिर्फ एक ढकोसला है। प्रदेश में और केंद्र में की सरकार है, अगर वो चाहें तो अपनी बात को बड़े व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कॉलेज परिसर में इस तरह की नारेबाजी करना कि भारत माता की जय और भी कई नारेबाजी करना स्कूल और कॉलेज प्रबंधन की व्यवस्था को ठेस पहुंचाना है। गुरुजनों ने, प्रोफेसर साहब ने तो सिर्फ इतना कहा था कि भारत माता की जय के नारे इसलिए ना लगाएं कि स्कूल कॉलेज में किसी प्रकार के व्यवधान पैदा ना हो, और लेकिन उसके बावजूद उनको गलत लगा और उन्होंने उनको पैर छुवाने पर मजबूर कर दिया। ये शायद बहुत ही कायराना कृत्य।